जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, हे नाथ पुकारो, जो करना चाहते हैं वह नहीं होता और जो नहीं करना चाहते हैं वह हो जाता है। इन दोनों बातों के लिए भगवान से प्रार्थना करो। हे नाथ, प्रार्थना ऐसी करो कि दिन रात भगवान के पीछे ही पड़ जाओ। जैसे बालक लड्डू लेने के लिए माँ का पल्ला पकड़ लेता है और पीछे पड़ जाता है, तो माँ को तंग होकर देना ही पड़ता है कि ले ले मर, बालक राजी हो जाता है। इसी तरह से भगवान के पीछे पड़ जाओ, यह बहुत बढ़िया उपाय है। साधन में तरह तरह की बातें हैं, पर भगवान का आश्रय लेकर पीछे पड़ जाना बहुत बढ़िया साधन है। भक्ति मार्ग में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शरीर से अलगाव का अनुभव हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप भगवान को हे नाथ पुकारते रहो, परवाह मत करो। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हरदम नाम जप करो और प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भक्ति में लग जाओ और भगवान को पुकारो, भक्ति में लग जाओ और भगवान को पुकारो। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर साधन में लग जाओ और हरदम भगवान से कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अपना संबंध भगवान के साथ रखो। अच्छे संत मिलें तो सत्संग कर लो, पर जहाँ तक बने किसी को गुरु मत बनाओ, किसी से संबंध मत जोड़ो। गुरु बनाने का मेरा बिल्कुल मत नहीं है, आगे आपकी मर्जी। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। यह वहम निकाल दो कि किसी को गुरु बनाएंगे तब कल्याण होगा। साधक को चाहिए अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही रखो, जिनके आप अंश हो। आप मानो या न मानो, जानो या न जानो, बिल्कुल भूल जाओ तो भी भगवान के साथ आपका संबंध कभी टूटेगा नहीं। आप भगवान के संबंध को स्वीकार करोगे तो दुख मिट जाएगा। मैंने जितनी पढ़ाई की है, पुस्तकें देखी हैं, विचार किया है, सबसे बढ़िया बात यह है कि हम भगवान के हैं। आप यह बात सदा के लिए मान लो कि मैं बिना मालिक का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। संसार का चिंतन मिटाने के लिए भगवान का चिंतन करो। संसार का चिंतन मिट जाए तो फिर कुछ भी चिंतन मत करो। पहले निरंतर भगवान का ही चिंतन करो, पर कब तक? जब तक संसार याद आता है तब तक। पहले कांटा निकालने के लिए सुई लगाते हैं, पर जब कांटा निकल जाता है तब सुई भी निकाल देते हैं। भगवान का चिंतन इसलिए करना है कि दूसरा चिंतन न हो। दूसरा चिंतन मिट जाए तो भगवान का चिंतन भी छूट जाएगा। कांटा निकलने पर क्या सुई लगाते हैं? एक साधक ने प्रश्न किया, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें या भगवान विष्णु का? स्वामी जी कहते हैं, आपको जो बढ़िया लगे, जिसमें मन लगता हो उसका ध्यान करो। कोई भी ध्यान छोटा बड़ा नहीं है, जिसमें आपका मन लगे उसमें मन लगा दो। जल्दी करो, शरीर का पता नहीं है। परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है, वे आपसे दूर नहीं हैं, वे आपसे दूर नहीं हैं। हरदम हे मेरे नाथ पुकारते रहो और निरंतर मन में यह विचार रखो कि हम सनाथ हैं, अनाथ नहीं हैं, हमारे मालिक प्रभु हैं। फिर सब ठीक हो जाएगा। अपनी ताकत से यह नहीं होगा। भगवान को याद करो। मेरे को तो एक यह बात बहुत बढ़िया लगी है कि हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा रात और दिन कहते ही रहो। लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं। कब होगा, कैसे होगा, इसका पता नहीं है। समय चाहे 10, 20, 50 वर्ष लग जाए, पर फ़ायदा होगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान की अलौकिक विचित्र कृपा होती है और विचित्र काम करती है। अगर हमारी प्रार्थना रोकर हृदय से होगी तो एक दिन भी
अपनी उम्र में विलक्षण दिखेगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम।